गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे इस भाग में। इसके पश्चात अर्थव्यवस्था के बाद उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का धर्म एक टॉपिक और रह जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग वैदिक काल से संबंधित टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके पूर्व संदर्भ इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से हमने पढ़ा दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग जैसे कह रहे हैं कि सर जो है समय बहुत कम है, तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट उन्हीं को आप लिख दीजिए और बताते जाइए, एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इसके बाद मैं वही काम कर दूंगा। ठीक है, उसी रूप में आप लोगों को ले चलूंगा। जिस रूप में आप लोग कह रहे हैं बात भी सही है, समय का अभाव है, और समय के अभाव में अगर यह डिटेल आप लोगों को जैसे समझाते जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ओके, तो हम इसके बाद वैसे ही करेंगे, इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट हर टॉपिक के लिखते हुए जाएंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। ठीक, और कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 7618025304। हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग अपना सुझाव भी हमें दे रहे हैं, तो समय के अकॉर्डिंग, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अच्छे ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी हमसे कर सकते हैं। और या एग्जाम 21 चैनल जो मेरा है, आप लोग इसको सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए होंगे कर लेंगे, क्योंकि यह एक दो दिन का नहीं है, अभी कंटिन्यू रहेगा, तो इससे हमेशा आप लोगों को लाभ ही मिलेगा और ऑनलाइन क्लास भी जल्द ही हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए हम लोग उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। अब उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आप लोगों को हमने बता चुका है। ठीक है, और डिवाइडेशन का कारण भी बता चुका है, और आयरन की खोज यानी लोहे का ज्ञान इस काल में हो जाना 1000 ईसा पूर्व के आसपास, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब लोहे का ज्ञान हो गया तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और जो टूल्स यानी औजार, चाहे वह कृषि कार्य को हो, ठीक है, सब लोहे के बनने लगे। जैसे कृषि कार्य में हल का फाल लोहे का बनने लगा, और इसके बाद कुल्हाड़ियाँ, आरी, दतारी इत्यादि, एनीवे जो कृषि कार्य में जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे अब लोहे के बनने लगे। कुल्हाड़ी से जंगलों की तेजी से कटाई हुई, तो इनका क्षेत्र विस्तार भी तेजी से बढ़ गया। आप लोगों को भौगोलिक विस्तार में पढ़ाए थे, बता दिए थे, सब ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य में तेजी से क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि लोहे की खोज हो गई, और जो कृषि कार्य में उपकरण प्रयोग होते थे यानी औजार प्रयोग होते थे वह लोहे के बनने लगे। इसलिए आप लोग देखेंगे कि हम आप लोगों को पूर्व वैदिक काल में बताए कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि सेकेंडरी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का लोहे के ज्ञान हो जाने से कृषि कार्य में तेजी से विकास हुआ, और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि हो गया और पशुपालन सेकेंडरी हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आयरन की खोज से, लोहे की खोज से इस उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और कृषि में तेजी से विकास हुआ, और इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक हो गई, ठीक है, और पशुपालन सेकेंडरी हो गया। तो पहला पॉइंट है, इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, हो गया। आप लोगों को अच्छे से सब एक्सप्लेन कर दिए कि लोहे के ज्ञान से कृषि उपकरण लोहे के बनने लगे, जिससे कृषि कार्य में तेजी से विकास हुआ। इसके बाद पशुपालन सेकेंडरी हो गया। अगला, इसके बाद यहाँ यह भी पॉइंट है, पशुपालन दूसरे स्थान पर हो गया, सेकेंडरी हो गया। अगला पॉइंट है काठक संहिता, ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। काठक संहिता में 24 बैलों यानी 24 बैलों से खेत यानी क्षेत्र जोते जाने का साक्ष्य मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब कृषि कार्य बड़े पैमाने पर, इसका तात्पर्य क्या है, इससे क्या अर्थ निकलता है, 24 बैलों से किसी खेत की जुताई की जाए
तो इसका मतलब यह है कि आर्य कृषि कार्य में, ये उत्तर वैदिक कालीन आर्य कृषि कार्य बड़े पैमाने पर करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि लोहे के उपकरण बनने लगे। ठीक, अगला पॉइंट है, इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों को कृषि के चारों क्रियाओं का ज्ञान हो गया। अब वह चारों क्रिया कौन कौन है ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक कर्षण, संस्कृत शब्द है, कर्षण मीन्स होता है जुताई करना, ध्यान रखिएगा आप लोग। और नंबर दो है वपन, वपन मीन्स होता है बुआई करना। और नंबर तीन है, थर्ड है लूलन, लूलन मीन्स होता है, लूलन मीन्स होता है कटाई करना। इसके बाद नंबर चार है मृडन, मृडन मीन्स होता है मड़ाई करना। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा आप लोग, नंबर एक है चारों क्रियाओं का ज्ञान हो गया आर्यों को उत्तर वैदिक काल में, वह क्या है? नंबर एक कर्षण जुताई करना, नंबर दो वपन बुआई करना, नंबर तीन है थर्ड है लूलन कटाई करना, इसके बाद नंबर चार है मृडन मड़ाई करना। ठीक है, मड़ाई से तात्पर्य है थ्रेसरिंग, ध्यान रखिएगा आप लोग, मड़ाई से तात्पर्य है थ्रेसरिंग करना। जैसे गेहूं की कटाई हो जाती है, कटाई के पश्चात उसकी थ्रेसरिंग होती है, थ्रेसरिंग से तात्पर्य है कि अनाज डंठल से अनाज को अलग कर लिया जाता है, तो वह भूसा हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है दोनों। ठीक है, तो उसी को थ्रेसरिंग कहते हैं अथवा मड़ाई कहते हैं। अब अगला पॉइंट है अथर्ववेद में, अथर्ववेद इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में नहर और कुएं से सिंचाई करने का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तर वैदिक काल में सिंचाई, नहर से सिंचाई करने का साक्ष्य या प्रमाण कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है अथर्ववेद में ही, मतलब उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में ही जव यानी यव, गेहूं, गोधूम जिसे कहते हैं संस्कृत भाषा मूंग, मसूर तथा ईख, ईख मतलब गन्ना, सुगर केन, ठीक है, ईख का उल्लेख मिलता है। यानी आर्य इन फसलों की बुआई करते थे या इन फसलों को उगाते थे, जव गेहूं मूंग मसूर और ईख इत्यादि फसलों का को उगाते थे। ओके, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में यानी इस काल में आर्य गाय बैल घोड़ा भैंस भेड़ और बकरी पालते थे। ठीक है, तो यह कृषि कार्य हो गया और कृषि के साथ साथ पशुपालन को हम लोग देख लिए, तो पशुपालन में क्या क्या पशुओं का उल्लेख मिलता है इस काल में यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्य? इस काल में आर्य गाय काऊ बैल घोड़ा यानी हार्स भैंस भेड़ और बकरी पालते थे। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इस काल में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान यानी पूरे वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान पशुओं में गाय का था, उसके पश्चात घोड़े का था। गाय क्या थी? गाय जो थी काऊ, इस काल में भी उत्तर वैदिक काल में भी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों काल में गाय पशुओं में मूल्यवान वस्तु के रूप में भी प्रयोग की जाती थी और मूल्यवान पशु के रूप में भी था, और इसे अघन्या कहते थे। अघन्या से तात्पर्य होता है जिसे मारा न जा सके। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, और विनिमय का माध्यम भी था। ठीक है, यहाँ एक उल्लेख मिलता है कि सुना से अपने पुत्र को 100 गायों के एवज में बेच दिए, के बदले बेच दिए, यानी मूल्य भी गाय के आधार पर ही निर्धारित होता था। ओके, ध्यान रखना है। इसके बाद बैल घोड़ा, आर्यों के जीवन में घोड़े का भी महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, और इसके बाद भैंस भेड़ और बकरी इत्यादि पालते थे, तो ध्यान रखिएगा पशुपालन में इन पशुओं का उल्लेख। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में जब कृषि कार्य तेजी से होने लगा, उत्पादन सरप्लस होने लगा, तो उद्योग धंधों का भी तेजी से विकास हुआ। उद्योग धंधों में हम लोग देख लेते हैं कि उद्योग धंधे में क्या क्या इस काल में मिलता है, यानी उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से उद्योग धंधे थे। नंबर एक पर है कुंभकारी, कुंभकारी से तात्पर्य है बर्तन बनाना, आप लोग जानते ही होंगे। विदलकारी, बांस का कार्य करने वाले लोग, यानी बांस के सामान डलिया इत्यादि बनाने वाले लोग, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कई बार आ चुका है विदलकारी से तात्पर्य क्या है।
तो बांस के सामग्री या बांस के कार्य करने वाले लोगों का वर्ग होता था। इसके बाद है रज्जुकारी, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, रज्जुकारी रस्सी बनाने का कार्य करने वाला वर्ग, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है तंतुवाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तंतुवाय सूती वस्त्र बनाने वाले वर्ग होते थे या कहते थे, उन लोगों को तंतुवाय कहा जाता था जो सूती वस्त्र बनाते थे लोग, या सूती वस्त्र बनाने वाले कार्य में लगे जो लोग थे उनको तंतुवाय कहा जाता था। अगला है मणिकारी, मणिकारी से तात्पर्य माला बनाने वाला वर्ग, ओके। अगला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, हिरणकारी, हिरणकारी से तात्पर्य है स्वर्णकार वर्ग, ठीक है, यानी स्वर्णकार वर्ग लोग, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद बढ़ई वर्ग, इसके बाद बढ़ई से तात्पर्य आप लोग जान ही रहे हैं, बढ़ई लोहार वर्ग। इसके बाद कैवर्त, कैवर्त से तात्पर्य मछुआरा वर्ग। तो इस प्रकार यह उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों में यह दिखाई पड़ता है, कुंभकारी, बिदलकारी, कुंभकारी बर्तन बनाने वाले वर्ग, बिदलकारी बांस के कार्य करने वाले वर्ग, रज्जुकारी रस्सी बनाने वाले वर्ग, इसके बाद तंतुवाय सूती वस्त्र बनाने वाला वर्ग, मणिकारी माला बनाने वाला वर्ग, हिरणकारी स्वर्णकार वर्ग, और बढ़ई यानी लुहार वर्ग, और कैवर्त यानी मछुआरा वर्ग। और एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में रेशम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हम लोगों को कि रेशम का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर तंतुवाय सूती वस्त्र का उल्लेख, यानी उत्तर वैदिक काल में सूती वस्त्र, रेशमी, रेशम का उल्लेख मिलता है, तो रेशम के भी वस्त्र। इसके बाद ऊनी वस्त्र का प्रयोग आर्य अपने जीवन में करते थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप लोगों को यह बता दिए, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद अगला जो भाग है, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन, तो इस भाग को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तब तक आप लोग इसको देखिए, अगले भाग में फिर हम लोग मिलते हैं।